दोस्तों आजकल अगर आप देखें तो गाड़ियों में एक ऐसा फीचर चल रहा है जो कि हर एक कार मेकर कोशिश कर रहा है अपनी गाड़ी में देने को और हर एक कंज्यूमर कोशिश कर रहा है अपनी गाड़ी में लेने को, जिसका नाम है सामने बुगाटी का लोगो। मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, इस फीचर का नाम है ADAS या फिर ऑटोनोमस ड्राइविंग, जो कि आपको डिफरेंट कार में डिफरेंट लेवल की मिलती है। फॉर एग्जांपल XUV700 में आपको लेवल 1 की मिलती है, आपको MG Aster में लेवल 2 की मिलती है, आपको Mercedes EQS में लेवल 3 की मिलती है। तो दोस्तों लेवल 1 2 3 4 है क्या? और हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना, आप में से 89.5% लोग अनसब्सक्राइब है, काफी बड़ा परसेंटेज है। अगर आप में से थोड़े और कर लोगे तो काफी हमारी जो कम्युनिटी है बड़ी हो जाएगी। तो ये जो ऑटोनोमस ड्राइविंग वाले फीचर है ये अराउंड 2010 से आना शुरू हुए हैं, और इनको डिसाइड करने के लिए कि किस लेवल में आपको कितनी बढ़िया ड्राइविंग मिलती है, ऐसे कोई बॉडी वगैरह थी नहीं, कोई ऐसे प्रोसा था नहीं जो कि डिसाइड करे कि इस लेवल में आपको इतनी बढ़िया ऐसे ड्राइविंग मिलती है। लेकिन दोस्तों फिर आती है SAE या फिर सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, जिन्होंने जो ऑटोनोमस ड्राइविंग है उसे 6 डिफरेंट लेवल में डिवाइड कर दिया, और उसके हिसाब से जो गाड़ी है उनकी ऑटोनोमस लेवल को चेक करा जाता है, जिसमें दोस्तों जो सबसे छोटा लेवल है उसका नाम है लेवल 0 या फिर नो ऑटोमेशन। और अगर आप देखें आपको हर एक गाड़ी जो कि पूरी दुनिया में उसमें आपको मिलती है लेवल 0 ऑटोमेशन, तो टेक्निकली आप कह सकते हैं अपने दोस्तों को कि मेरी गाड़ी में ऑटोनोमस ड्राइविंग है, बस फर्क यह है कि लेवल 0 ऑटोनोमस ड्राइविंग है। और दोस्तों इस वाले ऑटोमेशन लेवल में आपको कोई भी ऐसी एडिशनल टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, आपको कोई भी सेंसर वगैरह नहीं मिलते जो कि आपकी गाड़ी को ऐसे अपने आप चलाने वाले हैं। इसमें आपको बेली इंजन मिलता है, आपको गाड़ी के 4 पहिए मिलते हैं और आपको स्टीयरिंग मिलता है, और इससे आपको अपनी गाड़ी चलानी है, आपको कोई सेंसर नहीं मिलने वाले। तो एकदम ऐसे बेसिक वाला लेवल है जो कि मेरे ख्याल से कंसीडर ही नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी कर लिया, चलो कोई बात नहीं। फिर दोस्तों इसके ऊपर आता है लेवल 1 या फिर ड्राइविंग असिस्टेंस, जो कि पहले लेवल है जिसमें आपको थोड़े एडिशनल सेंसर मिलते हैं, आपको थोड़े एडिशनल ऐसे फीचर मिलते हैं जिससे जो आपकी गाड़ी है थोड़ी बहुत अपने आप चलने वाली है। और इस वाले लेवल में आपको अपनी गाड़ी में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, और इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी गाड़ी को क्रूज कंट्रोल में डालते हैं तो आपकी जो गाड़ी है अपने आप थोड़ी स्पीड बढ़ा सकती है और थोड़ी घटा सकती है अपने सेंसर का यूज करके। और इस वाले लेवल में आपको ऐसे कुछ ज्यादा ऑटोमेशन ही मिलती है, बस ये है कि अगर आपकी गाड़ी क्रूज कंट्रोल में चल रही है और सामने एकदम ऐसे सही वाली लाइन है तो आपकी गाड़ी अपने आप थोड़े टर्न वर्न मार सकती है और थोड़ी बहुत ब्रेक वगैरह लगा सकती है, पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी गाड़ी में पूरा विश्वास कर सकते हैं और उसको छोड़ सकते हैं कि भाई तू चला मैं जा रहा हूँ सोने। और ये वाला अगर आप लेवल देखें तो आपको XUV700 या फिर आपको MG ग्लॉस्टर में मिलता है, और ये अगर आप देखें पिछले 2 सालों में ही आया है, लेकिन हम काफी सारे कार्स में आना शुरू हो गया इंडिया में, और बाहर तो काफी सालों से आ रहा है। फिर दोस्तों इसके ऊपर आता है लेवल 2 या फिर पार्शियल ऑटोमेशन, और इस वाले लेवल में आपको थोड़े और एडिशनल सेंसर मिलते हैं, आपको थोड़ी और बढ़िया AI मिलता है जिससे जो गाड़ी है आपका काम थोड़ा और कम कर देती है और थोड़ा और बढ़िया चल सकती है। और लेवल 2 वाली कार्स में आपको जनरली गाड़ी के पीछे भी सेंसर मिलते हैं, जिससे अगर आप गाड़ी को बैक कर रहे हैं तो बैकिंग के टाइम में भी आपकी गाड़ी आपको बचा सकती है और अपने आप पार्क भी कर सकती है। और साथ में जो लेवल 2 वाली कार्स है वो ये भी जज कर लेती है कि अगर आप बाय चांस अपनी गाड़ी में लेन चेंज कर रहे हैं और जो साइड वाली लेन है उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स है, तो अपने आप जो आपकी गाड़ी है लेन चेंज करने से आपको बचा देगी। और इंडिया में आपको MG Aster में और Hyundai Tucson में आपको लेवल 2 ऑटोमेशन मिलती है, जो कि सही है और इंडिया में आप कह सकते हैं कि सबसे एडवांस है, जो कि सही बजट में आ रही है। फिर दोस्तों उसके ऊपर आती है लेवल 2 प्लस ऑटोमेशन, जिसे कहते हैं एडवांस पार्शियल असिस्टेंस, और इसमें आपको एडिशनल और सेंसर मिलते हैं, और इसमें जो आपकी गाड़ी है ऑलमोस्ट 50% जो काम है आपका कर सकती है, मतलब अपने आप चल सकती है, अपना ब्रेक मार सकती है, टर्न्स भी मार सकती है, और जो इसकी स्पीड वगैरह है वो भी अपने आप रेगुलेट हो सकती है। और ये वाला लेवल ऑफ असिस्टेंस है इंडिया में बेली किसी गाड़ी में, क्योंकि इंडिया में आपको या तो लेवल 1 मिलता है, या तो लेवल 2 मिलता है, या तो लेवल 3 मिलता है, जो लेवल 2 प्लस है इंडिया में है नहीं। और आप कह सकते हैं कि Hyundai Tucson में शायद, क्योंकि इसमें आपको पीछे भी सेंसर मिलते हैं। फिर दोस्तों इसके ऊपर आती है लेवल 3 ऑटोमेशन, और इस वाले लेवल को कंडीशनल ऑटोमेशन कहते हैं, और इस वाले लेवल में आप कह सकती है कि आप अपना ध्यान हटा सकते हैं अपनी गाड़ी से, अपना हाथ भी हटा सकते हैं अपने स्टीयरिंग से, और आपकी जो गाड़ी है ऑलमोस्ट 60-70% जो आपका काम है कर सकती है, जिसमें इस वाले लेवल में जो आपकी गाड़ी है वो एक इंटरनेट से कनेक्टेड होती है और साथ ही में जो आसपास की कार्स हैं उनसे भी कनेक्टेड होती है, और उसके हिसाब से वो जज करके ऐसे बढ़िया बढ़िया अपना जो रूट है बना सकती है। और जो अगली लेवल की कार्स है उसमें आप कह सकते हैं कि अगर आप कोई डेस्टिनेशन सेट करते हैं, कि मान लो आप कह रहे हो कि मुझे नारे के घर ले जा, उसमें आधा काम जो आपकी गाड़ी है वो कर सकती है और आधा आपको खुद करना पड़ेगा। और इसमें मान लो कि आप एक हाईवे पे हैं जिसमें सारी लाइनें वगैरह बनी हुई है, तो उसमें आप इस गाड़ी पे विश्वास कर सकते हैं और इस गाड़ी को अपना काम करने दे सकती है। अगर आप थोड़ा ध्यान हटा ले, अपने फोन पे ध्यान दे दे, तब भी जो आपकी गाड़ी है कुछ ऐसे क्रैश वगैरह करने नहीं वाली। और जो ये वाला लेवल ऑफ ऑटोमेशन है आपको Mercedes EQS में मिलता है, और इंडिया में ऑलमोस्ट कोई भी गाड़ी में आपको मिलता नहीं है जो इंडिया में EQS आती है, शायद आपको उसमें भी नहीं मिलता। तो इसलिए इंडिया में आपको लेवल 3 कुछ नहीं मिलता, अगर आपको चाहिए तो टेस्ला वेस्ला लेनी पड़ेगी। और यहाँ तक दोस्तों अगर आप देखें जो टेस्ला है, जिसका नाम है पूरी दुनिया में कि वो गाड़ी अपने आप चलती है, उसमें भी आपको लेवल 3 ऑटोमेशन ही मिलती है, आपको लेवल 4 या फिर आपको लेवल 5 नहीं मिलती। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यही तक जो टेक्नोलॉजी है
कितने एडवांस है, जिसके आगे आने वाली टेक्नोलॉजी है वो कितनी ज्यादा एडवांस होने वाली है। फिर दोस्तों इसके ऊपर आता है लेवल 4 ऑटोमेशन या फिर हाई ऑटोमेशन, और इस वाली टेक्नोलॉजी में आपको कुछ ज्यादा ही ऐसे बढ़िया ऑटोमेशन मिलती है जो आपका 80% काम है रोड में वो आपकी गाड़ी कर सकती है। इस वाले लेवल ऑफ ऑटोमेशन में आपकी गाड़ी में अगर आप लेजिट भरे कि मुझे नानी के घर जाना है तो आपकी जो गाड़ी है पूरा आपको लेके जा सकती है, अगर जो रोड एकदम सही है और उसमें सही लाइनें वगैरह बनी हुई है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर दोस्तों जो ये वाला लेवल ऑफ ऑटोमेशन है उसकी एक कमी है कि अगर जो ये वाला लेवल ऑफ ऑटोमेशन है वो किसी एक्सट्रीम कंडीशन में जाता है, मान लो ऐसे जो सड़क है पूरी ऐसे बर्फ से भरी हुई है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें सैंड ड्यून्स है, तो उन वाली कंडीशन में जो ये वाला लेवल है काम नहीं करने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली जो गाड़ी उसे क्या ही पता कि भाई सैंड ड्यून्स से कैसे जाना है या फिर एक रेतीले पहाड़ है उससे कैसे जाना है। इसलिए ऐसी कंडीशन में जो ये वाला लेवल है वो काम नहीं करने वाला, और आपको थोड़ा बहुत जो शेयरिंग है उस पर हाथ रखना पड़ेगा अगर आपको सेफली जो अपनी डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंचना है। और यहाँ तक दोस्तों अगर आप देखें जो टेस्ला इतनी एडवांस गाड़ी है उसमें आपको लेवल 4 ऑटोमेशन अभी तक नहीं मिलता, ये कुछ ज्यादा एडवांस लेवल ऑटोमेशन है और इसमें आपके ऑलमोस्ट सारे काम हो सकते हैं रोड पे। और टेस्ला कह रहे हैं कि अराउंड 2023 में जो लेवल 4 ऑटोमेशन है उनकी कार्स में आपको मिलने वाला है, तो देखते हैं कब मिलता है। और फिर दोस्तों अगर आपको बिल्कुल भी अपना जो शेयरिंग है उस पर हाथ नहीं लगाना, बस आपको गाड़ी में बैठना है, टीवी देखना है, ऐसे फोन चलाना है, पबजी खेलनी है, कार वर्सल की वीडियो देखनी है और बाद में बस जो डेस्टिनेशन है वहां पे उतरना है, आपके लिए लेवल 5 ऑटोमेशन, जो कि आप कह सकते हैं कि इस लेवल का ऑटोमेशन है कि अगर आपकी गाड़ी में स्टीयरिंग भी नहीं होता, अगर आपकी गाड़ी में एक्सीलेटर और ब्रेक का पेडल भी नहीं होता, तब भी आप अपनी डेस्टिनेशन में एकदम बढ़िया तरीके से पहुंच सकती है। और जब आप ऐसे कंसेप्ट कार्स नहीं देखते जिसमें जो स्टीयरिंग है होता ही नहीं है, ऐसे कैप्सूल्स होते हैं जिसमें आपको बड़ी बड़ी सीटें वगैरह मिलती है और आपको बहुत ही बड़ा सा कैबिन मिलता है, वो वाली कार्स आप कह सकते हैं कि लेवल 5 वाली कार्स होने वाली है, जिनमें स्टीयरिंग का कुछ काम ही नहीं है, ड्राइवर का कुछ काम ही नहीं है, बस जो बंदा है उसे गाड़ी में बैठना है, अपनी डेस्टिनेशन डालनी है, गाड़ी अपने आप अपनी डेस्टिनेशन में जाएगी और बंदे को डेस्टिनेशन से उतरना है और कोई उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो लेवल 5 वाली कार्स हैं उनके कैबिन को ऐसे ये नहीं कहने वाले कि 5 सीटर है या फिर 4 सीटर है, उनकी कार्स को स्मार्ट कैबिन कहने वाली है, क्योंकि इसमें कोई ड्राइवर सीट नहीं है, कोई को ड्राइवर सीट नहीं है, सारी बस सीटें ही है जिसमें किसी को भी बैठना है वो बैठ सकता है। और दोस्तों ये वाली कार्स है अभी कोई भी नहीं है पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट, और 2027-28 तक शायद पहली कार्स आ जाए जिनमें आपको लेवल 5 ऑटोमेशन मिलती है, और अगर आ गई तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि भाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस गाड़ी में बैठो, बढ़िया डेस्टिनेशन डालो और आप डेस्टिनेशन में पहुंच गए, नानी के घर पहुंच गए और क्या चाहिए भाई लाइफ से। और दोस्तों जो मेरी एक्चुअली 7W है वो लेवल 1 है, और अगर आपको देखना है कि जो लेवल 1 ऑटोमेशन है कैसे काम करता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके चेकआउट करना उस वाली वीडियो को कार वर्सल को, उसमें मैंने एक्चुअली 7W का अपना ओनरशिप रिव्यू दिया था। और आप बताना कि क्या आपको लगता है कि जो लेवल 4 या फिर लेवल 5 ऑटोमेशन है अगर वो आ भी गया, क्या वो इंडिया में जो सारा काम है वो कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो रोड कंडीशन है अभी उतनी बढ़िया है नहीं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, और साथ में इंडिया में ऐसे लेन देन बनी नहीं हुई। और बाकी यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।